यहाँ पे मैं लकड़ी एकत्रित कर रहा हूँ, मैगी बनाने के काम आएगी। मैगी बनाते के साथ साथ इसको चलाना भी पड़ता है, ये देखिए ऐसे। ये खूबसूरत जंगल पहाड़ों पे और नीचे फहरा है बढ़िया सा वाटरफॉल। ध्यान रखना, बाय जा। तो चलिए दोस्तों, आज फिर निकले आपके लिए एक बढ़िया सी वीडियो बनाना है। दोस्तों ये है जयरॉक हॉस्पिटल चौक, जो कि कैंसर हॉस्पिटल लेके जाता है, और यहाँ पे हम लोग रुके हैं नाश्ता करने के लिए। मेरे साथ हैं मेरे पप्पन भैया, नाश्ता करते हैं और फिर निकलते हैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाने। खाओ खाओ आप खाओ, सीख रहे हैं बढ़िया गर्म समोसे। तो ये एक फैमिली जा रही है गणेश विसर्जन के लिए, देख सकते हैं आप। तो ग्वालियर से 21 किलोमीटर सफर तय करने के बाद पहुंच गए हम लोग रायपुर। रायपुर ग्वालियर से मात्र 21 किलोमीटर है। रायपुर गांव में बता रहे हैं अमित भाई कि यहाँ भी एक डैम है, बहुत अच्छी नदी है। तो अगली बार इसको कवर करेंगे अपन, अच्छी नदी है, मजा आ जाएगा। अच्छा ठीक है भाई, अगली बार रायपुर आ रहे हैं हम लोग। ये देखियो कितना शोर मचाते हुए आ रहे हैं रोनसन सर हमारे। मस्ती मस्ती मस्ती, टोटल मस्ती। रोड देखिए, रोड खतरनाक हो रही है। ये खूबसूरत नजारे के साथ ये खूबसूरत गाड़ियां हम लोगों ने कर दी है यहाँ पार्क, और यहाँ है वो वाटरफॉल। आज बेहतरीन पानी है इधर पे, चलिए दिखाते हैं आपको। यहाँ से नहीं दिख रहा पर आगे काफी सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं। तो दोस्तों काफी सारे लोग आए हैं यहाँ पे, पिकनिक मना रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, और एक फैमिली आई हुई है जो कि गणेश जी का विसर्जन चल रहा है यहाँ पे। हेलो, ये दो बढ़िया बढ़िया यहाँ के चौकीदार घूम रहे हैं। हेलो कैसे हो, अपन भैया कैसा लग रहा है, एक नंबर जा गया ना। तो चलिए अपन लोग उस तरह चलते हैं आगे तरफ, वहाँ बैठेंगे चल के, वहाँ जाएंगे और दिखाएंगे आपको। ये हमारे भाई लोग आ रहे हैं। ये है पानी यहाँ का, कुछ ये जगह हम लोगों ने फाइनल की इधर पे, और अमित भाई यहाँ पे अपना सेटअप जमा रहे हैं। अब हम बनाएंगे यहाँ पे मैगी और दिखाएंगे आपको ये खूबसूरत जगह पे मैगी खाने का अनुभव हमारा कैसा रहा। ये है खूबसूरत सा पेड़ जिसके नीचे हम लोगों ने अपनी व्यवस्था जमाएंगे, और देख सकते हैं आप काफ़ी बड़ा विशाल पेड़ है ये, ये पत्थर के ऊपर है। ये हमारी आज की व्यवस्था, जैसा कि आप देख रहे हैं ये पानी हम पीने के लिए इस्तेमाल करेंगे, इसका गलत मतलब मत निकालना। मैगी हमारी हमारे पप्पन भैया लेके आए घर से बना के, बढ़िया गर्मा गर्म पूड़ी और सब्जी। पहले इसका लुत्फ उठाते हैं फिर उसके बाद मैगी बनाएंगे, और यहाँ के भरपूर नज़ारों का आपको दर्शन कराएंगे और आनंद दिलाएंगे। ये देखिए वाटरफॉल। तो यहाँ पे मैं लकड़ी एकत्रित कर रहा हूँ, मैगी बनाने के काम आएगी। भैया लोग कर रहे हैं नाश्ता भी। ये खूबसूरत जंगल पहाड़ों पे और नीचे फहरा है बढ़िया सा वाटरफॉल, और मैं यहाँ पर आके आज की व्यवस्था के लिए लकड़ी एकत्रित कर रहा हूँ। काफ़ी अच्छा लग रहा है दोस्तों, हरियाली है, छाँव है, पहाड़ है, पत्थर है, और झरना है, मस्त पानी है, बढ़िया बढ़िया। तो चलिए लकड़ी इकट्ठी कर ले अपन, ये मिली बढ़िया मोटी, इकट्ठी कर ले फिर उसके बाद दिखाते हैं कि आज क्या व्यवस्था है। और यहाँ पे एक मंदिर भी है, दिखाऊंगा मैं आपको, मैं इधर पहुँच गया हूँ लकड़ी एकत्रित करते करते। ये है दोस्तों, ये है यहाँ पे शिव जी का मंदिर, यहाँ पे विराजमान हनुमान जी की प्रतिमा भी है। ये है हनुमान जी की प्रतिमा, और यहाँ पे मौजूद है एक शिवलिंग जो कि इस पर्वतों पहाड़ और झरने और जंगल के बीच मौजूद है। काफ़ी शांत जगह है और काफ़ी सुंदर जगह है, ये देख सकते हैं आप, है ना दोस्तों, मस्त, काफ़ी बढ़िया है ना। कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसी लगी है जगह आप लोगों को। तो चलिए लकड़ियाँ एकत्रित करते हैं और फिर खाना बनाते हैं, सॉरी मैगी बनाते हैं। पप्पन भैया भी आ गए हैं लकड़ी एकत्रित करने, मदद करा रहे हैं हमारी, जंगल की तरफ जा रहे हैं। तो डायरेक्ट पेड़ से ही तोड़ रहे हैं। हाँ सूखी सूखी है ना, जल्दी जलेगी ना। तो दोस्तों काफ़ी मेहनत करने के बाद लकड़ी हम लोगों ने इकट्ठी कर ली है, और हम लोग मैगी बना, उससे पहले मैं आप लोगों के लिए यहाँ के सिनेमैटिक शॉट रिकॉर्ड करता हूँ और दिखाता हूँ।
यहाँ हम लोगों ने बना लिया चूल्हा। ये चूल्हा पहले से बना हुआ है, कुदरत की तरफ से हमें गिफ्ट मिला है। बस हमें हांडी उठा के इस पर रखनी है। अभी इधर आग लगा ली है और फिर कैसे बनाते हैं सब दिखाते हैं आपको। पप्पा ने ये मेहनत कर रहे हैं लकड़ी तोड़ने में, और मैंने मेहनत की है लकड़ी बटोरने में और चूल्हा जलाने में। यहाँ पे कुछ लोग आए हैं गणेश विसर्जन के लिए, जैसा कि देख रहे हैं आप, फोटो वोटो खिंचा रहे हैं गणेश जी के साथ। तो देख सकते हैं आप दोस्तों, गणपति बैठाने से लेके विसर्जन करने तक कितना उत्साह होता है। तो ये सब चीजें आज इस वीडियो में आप लोगों को दिखाई हमने। तो चलिए अब तैयारी करते हैं अपने आगे के प्रोग्राम की। देखिए देखिए आग और आग का कलर क्या शानदार है। और जब अपनी मैगी तैयार हो रही है दोस्तों, यहाँ अमित भाई खोल रहे हैं सारे मसाले। मैगी के साथ मसाले तो है, और एक्स्ट्रा मसाले हम लोग लेके आए थे। और कुछ खा पी खूबसूरत नजारे के साथ मैगी बनना शुरू हो गई है हमारी। ये देखिए मैगी बनाते के साथ साथ इसको चलाना भी पड़ता है। ये देखिए ऐसे, वरना मैगी का हप्पा बन जाएगा। इधर बहुत ही शानदार खुशबू आ रही है दोस्तों, अब सब्र नहीं हो रहा है। ये थोड़ा मसाला जम गया है। ये हमारी मैगी तैयार हो रही है। अब भाई लोग पता नहीं यहाँ क्या खोजबीन कर रहे हैं। क्या दिखा तुम्हें वहाँ पे? मछली डालो मैगी में डाल देंगे। बस थोड़ा सा और पानी रह गया, इसको सुखा लें फिर मैगी को खाने का आनंद लेंगे। दोस्तों मजा आ गया भैया, इस बार हप्पा नहीं बना, इस बार पक्के मैगी बनी है मस्त वाली। पिछली बार हम लोग गए थे जब बदाना वाटरफॉल, वहाँ मैगी का हप्पा बन गया था, इस बार मैगी मस्त बनी। ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए, है ना जानदार टॉप की मैगी। ओ ये तैयार हो गई दोस्तों हमारी मैगी, अब हम ले रहे हैं इस पानी में जाके मैगी खाने का आनंद, दिखाते हैं आपको। मैगी खिला रहा है मच्छी को, कहाँ है? अरे हाँ लेके भाग, ओ देखो डांस कर रहा है, लेके भागा मच्छी है, खूब सारी मच्छी है इसके अंदर। तो चलिए दोस्तों अब ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, और हम लोग जा रहे हैं अब झरने में नहाने। ओए बच गया डेविड भाई, बच गया, लड़क जाता गिर गया तुम्हारा भाई। आ गए बाकी भाई लोग, आ रहे हैं बाकी भाई लोग आ रहे हैं। अब हम जा रहे हैं ऊपर तरफ आप लोग के लिए झरने का पूरा वीडियो बनाने, और वहाँ पे हम नहाएंगे और दिखाएंगे आपको कैसा लगता है। ये करीब से देखिए झरना कितना सुंदर लग रहा है। चलता हूँ वॉटरफॉल के अंदर, देख सकते हैं आप काफी गहरा झरना है ये। चलो बॉस आपको अंदर लेके चलते हैं, यहाँ से दिखाते हैं। ये देखिए गणेश जी का अभिषेक हो रहा है यहाँ पे, जो लोगों ने बहाया था इसको हमारे पप्पन भैया ने सही जगह पहुंचा दिया। ये गणेश जी जो बैठे हैं। भाई लोग क्या मजे ले रहे हैं, कहाँ से आए हो आप लोग? ये भी पागल हो गया साथ में। कहाँ से आए हो?
ग्वालियर से, दोस्तों भीड़ काफी ज्यादा हो गई है, बहुत सारे नए नए लोग आ गए यहाँ पे और अपनी पिकनिक को एंजॉय कर रहे हैं। हम लोगों ने नहा लिया, धो लिया, टोटल मस्ती करी आज के दिन। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा, और इस जगह आप आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, शानदार जगह है, हमारा अनुभव बेहतरीन रहा। तो चलिए आज के वीडियो को यहीं खत्म करते हैं और फिर मिलते हैं अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।